तो फिलहाल कॉलेज का एंट्री है और यहीं से सारा गेट बनाया जाएगा। आपको पीछे में ये फिलहाल है कॉलेज की बिल्डिंग को बहुत ही जोर शोर से तैयार किया जा रहा है। तो ये हमारे बाढ़ का पहला पॉलिटेक्निक कॉलेज होने वाला है। तो ये सारा जो है ये कॉलेज का स्ट्रक्चर है जो तैयार किया जा रहा है। फिलहाल आप देखिएगा तो वहाँ पर काफी जो कॉलेज है ये करीबन इसी साल के दिसंबर तक जो है बना करके तैयार कर दिया जाएगा। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर ब्लॉग। एक बार फिर से एक नए ब्लॉग में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो फिलहाल मैं जिस सड़क पर खड़ा हूँ ये है शहरी टू बेल्लौर वाला रूट है। आप मेरे इधर वाले साइड को देखिएगा तो इधर से राणा बेगा और शहरी वाला रूट पड़ता है, और मेरे इधर सामने की मैं बात करूँ तो इधर से बेल्लौर वाला रास्ता है। फिलहाल आप मेरे पीछे देखिएगा तो एक बहुत ही खूबसूरत सा इमारत बनाया जा रहा है। आज हम लोग इसी पर बात करने वाले हैं काफ़ी डिटेल में कि एक किस चीज़ की बिल्डिंग है और कब तक बन करके तैयार हो जाना है और इससे क्या क्या फ़ायदा होना है। तो गाइज, मैं अगर बात करूँ इस इमारत के बारे में तो ये हमारे बाढ़ का पहला पॉलिटेक्निक कॉलेज होने वाला है, जो कि कहें तो इस साल के अंत तक, ऐसा उम्मीद है कि दिसंबर तक इसे तैयार कर दिया जाना है। बल मैं बात करूं कि ये कितने में बन रहा है तो इसका जो बजट है ये ऑलमोस्ट शायद 80 करोड़ के आसपास का बजट है जहां तक मुझे पता है। और इसमें काफ़ी सारे सुविधाएं जो है हाई प्रोफाइल फैसिलिटीज़ से ये जो कॉलेज है वो लैस रहेगा। यहां पर सारी हॉस्टल की सुविधाएं होंगी, एवरीथिंग जो आप एक बेल क्वालिटी वाले कॉलेज में आप जो चीज़ें खोजते हैं वो सारा आपको मिल जाएगा। मैं आपको बात करूँ तो 2017-18 के पास आसपास तक में दो प्रोजेक्ट ट्रेंड कर रहे थे बिहार में कि एक हमारे बख्तियारपुर में बनाना है इंजीनियरिंग कॉलेज और एक हमारे बाढ़ में बनाना है पॉलिटेक्निक कॉलेज। तो बख्तियारपुर वाला जो इंजीनियरिंग कॉलेज है वो पूरा रेडी है, पूरा सब चीज़ कंप्लीट है, अब इस कॉलेज की बारी है। तो चलिए फिलहाल अंदर चलते हैं और अंदर जाने की कोशिश करते हैं और सारे चीज़ को अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करते हैं। सो दोस्तों, आप देख सकते हैं मेरे पीछे में ये फिलहाल है कॉलेज की बिल्डिंग को बहुत ही जोर शोर से तैयार किया जा रहा है। तो चलिए फिलहाल चलते हैं अंदर और अगर हम लोग को परमिशन मिल जाता है तो अंदर जाकर के काफ़ी अच्छे तरीके से इसे एक्सप्लोर करेंगे और सारे चीज़ से आपको रूबरू करवाएंगे। तो चलिए फिलहाल अंदर चलने की कोशिश करते हैं। सो दोस्तों, फिलहाल अभी हम लोग एंट्री पर खड़े हैं और आप ये देखिएगा तो फिलहाल कॉलेज का एंट्री है और यहीं से सारा गेट बनाया जाएगा। आपको पीछे कॉलेज का पूरा बिल्डिंग दिख रहा होगा। मैं थोड़ी देर के लिए फिलहाल अंदर गया था लेकिन हाँ, अंदर से पूरा क्लोजली फिलहाल जो भी वीडियोग्राफी है उसको करने के लिए मना किया गया गार्ड के द्वारा, क्योंकि उन्होंने कहा कि फिलहाल सख्त निर्देश है कि अभी इस पर कोई भी चीज़ को जो है ओपन नहीं करना है। फिर भी गार्ड जी ने हम लोग को थोड़ा सा परमिशन दिया हमारी बातों को समझकर और कहा कि आप ऊपर से ही, मतलब कि अंदर थोड़ा सा आकर के आप ले लीजिए फुटेज जो लेना है, तो हमने वो ले लिया। आपको स्क्रीन पर फिलहाल चल रहा होगा। अभी हम लोग चलते थोड़ा सड़क के बाहर से ही जो चीज़ें हैं थोड़ा बहुत जूम करके मैं आपको दिखा देता हूँ और उसके बाद मैं फिर आगे इस कॉलेज के बारे में चीज़ें आपसे वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, ये रास्ता आप देखिएगा तो ये है शहरी राणा बीघा वाला रोड और इधर देखिएगा तो ये कॉलेज है और ये कॉलेज का पूरा काम देखिएगा तो चल रहा है। और इधर वाला जो रास्ता है वो आपका जाता है बेल्लौर की ओर। उधर भी देखिएगा काफ़ी सारे पार्ट्स है बिल्डिंग के, तो चलिए हम उधर थोड़ा सा चलते हैं और जा करके थोड़ा सा कैप्चर कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिएगा तो ये सारा जो है ये कॉलेज का स्ट्रक्चर है जो तैयार किया जा रहा है। फिलहाल आप देखिएगा तो वहाँ पर काफ़ी सारे जो वर्कर्स है और जो भी चीज़ें हैं वो लगी हुई हैं। सारा स्ट्रक्चर आपको कॉलेज का फिलहाल दिख रहा है। तो ये सारा अगर आप नज़ारा देखिएगा दोस्तों तो सारा कॉलेज का जो बिल्डिंग है इसको तैयार किया जा रहा है और उधर साइड भी देखिएगा तो सारा आपको दिख जाएगा। तो फिलहाल तो अभी मैं बाहर से ही आपको दिखा सकता हूँ। सो दोस्तों, गार्ड साहब ने हम लोग को बताया कि यह जो कॉलेज है ये करीबन इसी साल के दिसंबर तक जो है बना करके तैयार कर दिया जाएगा और अभी जो काम है काफ़ी ज़ोर शोर से चल रहा है, लेकिन बोला कि फिलहाल अभी वीडियोग्राफी का कोई ऑर्डर नहीं है। तो ये मे भी जब कॉलेज बनकर तैयार हो जाए या उस घड़ी हम लोग को कहा गया है कि आकर के आप ले सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग आए थे लेकिन सभी को मना कर दिया गया था। तो ये कुछ आप देख सकते हैं चीज़ें जो है। फिलहाल हमारे बाढ़ में भी अब पॉलिटेक्निक कॉलेज जल्द बनकर तैयार हो जाएगा और हमारे बाढ़ के जो स्टूडेंट्स हैं अब उनको बाहर कहीं नहीं जाना पड़ेगा। इंजीनियरिंग अगर करनी है तो बख्तियारपुर में चले जाइए और पॉलिटेक्निक करनी है तो अपने बाढ़ में भी अब कर सकते हैं। तो ये कुछ फिलहाल चीज़ें हमारे यहाँ हो रही हैं। और एक ITI कॉलेज भी बहुत बड़े लेवल पर बाढ़ में बनाया गया जिसका वीडियो डाला हुआ है, जो कि बेरनाम बंद, आप वो भी देख सकते हैं। और फिलहाल पॉलिटेक्निक कॉलेज को भी जल्द ही बना करके तैयार किया जा रहा है। तो दोस्तों, ये कुछ था आज का ब्लॉग जहाँ पर मैंने आपको ये जानकारी दिया कि हमारे बाढ़ में
पहला पॉलिटेक्निक कॉलेज जल्द ही बन करके तैयार होने वाला है। तो फिलहाल इस ब्लॉग को करते यहीं पर एंड, और पूरा तो नहीं ले पाए क्योंकि हम लोग को भी ऐसा कोई आइडिया था नहीं कि पूरा नहीं ले सकते हैं, बट फिर अगर मौका मिलता है तो ज़रूर आएंगे इसके बनने के बाद और इसके पूरे विजुअल्स को कैप्चर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं जल्दी एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।